इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हिम्मत दिखाकर हारे हिटमैन, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं दोहरा पाए कार्तिक जैसा। जब रोहित आए तब टीम इंडिया को जीत के लिए 44 गेंद पर 65 रन बनाने थे। 49वें ओवर में रोहित को दो जीवनदान मिले। महमूदुल्ला की दूसरी गेंद पर इबादत हुसैन ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अनामुल हक ने कैच टपका दिया। रोहित ने 28 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा बांग्लादेश के खिलाफ बुधवार 7 दिसंबर को चोटिल हो गए। हिटमैन फील्डिंग के दौरान बाएं अंगूठे में चोट लगा बैठे। इसके बाद उन्हें तुरंत मैदान से बाहर ले जाया गया। ढाका के एक अस्पताल में उनका एक्सरे हुआ। उसके बाद रोहित स्टेडियम लौट आए। उनकी जगह केएल राहुल ने कप्तानी की थी। ऐसा लग रहा था कि रोहित शर्मा बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरेंगे, लेकिन उन्होंने चोट के बावजूद मुश्किल समय में बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 9वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए। जब रोहित आए तब टीम इंडिया को जीत के लिए 44 गेंद पर 65 रन बनाने थे। 49वें ओवर में रोहित को दो जीवनदान मिले। महमूदुल्ला की दूसरी गेंद पर इबादत हुसैन ने उनका आसान कैच छोड़ दिया। इसके बाद 5वीं गेंद पर अनामुल हक ने कैच टपका दिया। रोहित ने 28 गेंद पर नाबाद 51 रन बनाए। बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 271 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया 50 ओवर में 9 विकेट पर 266 रन ही बना सकी। बांग्लादेश ने इस मैच को 5 रन से जीतकर सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर ली। दिनेश कार्तिक ने बांग्लादेश के खिलाफ 2018 में निदाहास ट्रॉफी के एक मैच में आखिरी ओवरों में तूफानी पारी खेलकर टीम इंडिया को जीत दिलाई थी। उनकी वह पारी सभी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को याद है। उन्हें आज भी उम्मीद थी कि रोहित शर्मा भी कुछ वैसा ही करेंगे, लेकिन हिटमैन मैच को फिनिश नहीं कर पाए। निदाहास ट्रॉफी में क्या हुआ था? उस मैच में रोहित ने टॉस जीता और बांग्लादेश को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया। इसके बाद बांग्लादेश ने सब्बीर रहमान के 77 रनों की तूफानी पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 गेंदों में 166 रन बनाए और भारत के सामने 167 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत खराब रही। एक वक्त टीम इंडिया को जीत के लिए 12 गेंदों में 34 रनों की जरूरत थी। 18 ओवर की समाप्ति के बाद क्रीज पर विजय शंकर 15 गेंदों में 12 रन बनाकर खेल रहे थे और दिनेश कार्तिक नए बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। उस वक्त बांग्लादेश की तरफ से रूबेल हुसैन 19वें ओवर की गेंदबाजी करने आए। इसके बाद दिनेश कार्तिक ने वो किया जो भारतीय क्रिकेट के साथ उनके करियर का भी यादगार दिन बन गया। कार्तिक ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। हुसैन की उस ओवर में 2 छक्के और 2 चौके की मदद से 22 रन जड़ दिए। भारत को 6 गेंदों में 12 रन की दरकार थी। अंतिम ओवर में विजय शंकर के आउट होने के बाद टीम इंडिया को जीत के लिए एक गेंद पर 5 रन बनाने थे। फिर सरकार ने ऑफ साइड में फुल लेंथ की गेंद फेंकी और दिनेश कार्तिक ने इनसाइड आउट शॉट खेलते हुए कवर के ऊपर से एक फ्लैट छक्का जड़ दिया और टीम इंडिया को जीत दिला दी।